मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश के 68वें स्थापना दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 2003 में प्रदेश को भाजपा सरकार ने संभाला था, तब प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000 होती थी, आज बढ़कर 1,40,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय हो गई है। उस समय प्रदेश का कुल बजट 23,000 करोड़ हुआ करता था, आज बढ़कर 3,14,000 करोड़ पार कर गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का साइज केवल 71,000 करोड़ था, अब 15,00,000 करोड़ के आसपास हो गया है। इस बार आचार संहिता के कारण सरकारी स्तर पर आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके बाद तिथि निश्चित करके धूमधाम से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाएंगे। प्रत्येक वर्ष हम बहुत आनंद और उत्साह के साथ मध्य प्रदेश दिवस मनाते हैं, ये परंपरा भी हमने प्रारंभ की, लेकिन आज आचार संहिता के कारण हम मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का शासकीय तौर पर आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 3 तारीख के चुनाव परिणाम आने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और फिर तिथि निश्चित करके हम धूमधाम से मध्य प्रदेश दिवस को मनाएंगे और समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के आगे का रोड मैप भी तय करेंगे और उस रोड मैप पर चलने का संकल्प लेंगे।